नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट टेक्निकल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप राउटर में वाईफाई स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो या डिफॉल्ट आईपी और पासवर्ड चेंज कर सकते हो। सपोज आपका एक साइबर कैफे है, वाईफाई पासवर्ड आप डेली बेसिस पे चेंज करते हो, पर आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हो, या तो फिर आपका किसी कस्टमर राउटर का आईपी चेंज कर रहा है या पासवर्ड चेंज कर रहा है। इस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए मैं मेरा ब्राउजर ओपन कर लेती हूँ। 192.168.0.1 डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन ही रहता है। एडवांस लैन सेटिंग 192.168.0.1, इसको चेंज करके 192.168.0.9 कर देती हूँ। आप कोई भी आईपी दे सकते हो, ओके, या आपको और एक बार कंफर्मेशन देना पड़ेगा। आप देख सकते हो रिबूट होने के बाद आईपी एड्रेस चेंज हो गया। टूल्स में चले जाइए, चेंज पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। कंफर्मेशन के लिए और एक बार पासवर्ड दे दीजिए, ओके, दोबारा कंफर्म करना है। पुराना वाला पासवर्ड दे दिया था। QoS टैब में जाइए, जिस डिवाइस का आप स्पीड कंट्रोल करना चाहते हो उस डिवाइस का आईपी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो पहले उस डिवाइस का आईपी आपको जानना पड़ेगा, तो उस डिवाइस को आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। एडवांस डीएचसीपी क्लाइंट लिस्ट 192.168.0.101, ये नोट कर लीजिए। बैंडविड्थ रेंज मेरा 5 Mbps का प्लान है, तो हाई स्पीड 500 Kbps का कर देती हूँ। एड टू लिस्ट आप देख सकते हो 101 आईपी का स्पीड 500 KB के ज्यादा नहीं होगा, इसको 100 कर देती हूँ। 100 अपडेट टू लिस्ट 101 आईपी का स्पीड ऑलमोस्ट 100 KB के अंदर ही रहेगा, मेरा लैपटॉप की स्पीड के लिए कोई भी इंटरप्ट नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।